जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है आज यानी कि सेशन 21-22 में, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है 21, और उससे ज़्यादा बेहतर कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे नोटिस करिएगा B05 सेट सी, यानी सेट नंबर सी है B05 जो कि पेपर कोड है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मैं पहले ही रिमाइंड कर दूं कि आपको इसमें जो वीडियो में बताया गया है वो एटलीस्ट टोटल 40 क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए गए हैं। इसके बाद जो है जस्ट इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो को उसमें कंप्लीट कर दिया गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें हम आपको, अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया ऑप्शन वो गलत है तो मैं इसमें आपको ये ज़रूर कहूँगा आप गूगल पे एक बार खुद से सर्च कर लिया करिए, हो सकता है हमसे भी कुछ मिस प्रिंट हो, गलती हो, तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार गूगल करके आप भी एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप ऑप्शन में भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर टू अगर इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर हम बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल प्रोग्राम इज़ अबाउट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 2020 नोबेल लिटरेचर प्राइज वाज अवार्डेड टू माइकल हॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन द अमेरिकन वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई द स्पेस रिसेंटली अबॉर्ड VSS यूनिटी इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिरिस बंदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद रसिया। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड, चेतन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 14-point प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिचर्ड निक्सन। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वुड्रो विल्सन करके है, ना कि रिचर्ड निक्सन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन तालिबान इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम टू पावर इन अफगानिस्तान, कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग है वर्ड में बट ये कि आपके आंसर्स ऑप्शन में हैं। इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज एडवोकेटेड बाय एमएन रॉय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गुप्तकर अलायंस इज कोलिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द माइनॉरिटी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाई RBI। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट उस क्वेश्चन ये कह रहा है 17 दैट हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द आइडिया ऑफ जनरल विल। देखिए इसमें अगर देखें तो डी भी हो सकता है, डी ऐसे मेरे हिसाब से डी है, लेकिन ऑप्शन मैंने इसके बारे में सर्च करा तो जॉन लोक भी दे रहा है और जे रूसो भी दे रहा है, लेकिन आप एक बार थोड़ा कन्फर्म हो लीजिएगा, हमारे हिसाब से ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 18 इन्फ्लेशन रिफर टू राइजिंग इन प्राइस, डिफ्लेशन में प्राइस का डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सिविल राइट, इसमें कन्फर्म बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, लेकिन आप खुद ऐसे तो ये कि आंसर किए आएंगे तो आप खुद कन्फर्म हो लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21। हु अमंग द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, आप जानती है BR अम्बेडकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21। द प्रोग्राम कल्चरल रिवोल्ट वाज एसोसिएटेड, असल में ये चाइना में हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी हमास इज ए नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये +3 का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग NGO कंप्लेनिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स, करेक्ट आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड टू बी फॉरनर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट इन इंडिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें अगर आपको डॉट लगे तो आप खुद गूगल पे सर्च का आंसर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सब्जेक्टिविटी होगा, इसमें आप खुद कंफर्म हो लीजिएगा, इसमें मैं श्योर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 27। इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर्न लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन द डोकलाम मिलिट्री फेस ऑफ हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड अगेन LOC इज ए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस परटेन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, असल में ये जो हुआ था आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला हुआ अमंग द फॉलोइंग डेवलप द नोशन ऑफ डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका करेक्ट आंसर होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डायरेक्टली डेमोक्रेसी प्रैक्टिस्ड, इसका ऑप्शन बी जो वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मोमेंट, इसका सुंदरलाल बहुगुणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग रीड्स इज सूड बाई कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अनलॉफुल डिटेन हैबियस कॉर्पस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड अगेन अब चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन का, तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात कर ले तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी कि ओमन चांडी जो था ये सचर कमेटी का पार्ट नहीं था। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसे सिंपल आपको दिखा दे रहे हैं और आपको उसी हिसाब से आंसर क्लिक करते जाना है। अभी हम इस पे जो है एक सेपरेट सेकंड वीडियो आएगा, उसमें आपको इसमें बता दी जाएगी। और असल में इस बार ये भी हुआ है कि इंग्लिश से अगर देखा जाए, नोटिस करने वाली बात यह है कि इंग्लिश से जो है वो एटलीस्ट 35 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए हैं, जो कि रीजनिंग और रीजनिंग से वगैरह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स का पार्ट से क्वेश्चन जो पूछा जाता था उसको इस बार नहीं पूछा गया है, ये ज़रूर इस बार देखने को मिला है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा 54, 55, 56। और इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा ही, इससे पहले ये होता था कि इंग्लिश में जो था वो एंटोनिम सिनोनिम वगैरह पूछ दिया जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अपने ही तरीके से इंग्लिश को चेप दिया। तो इस तरीके से आप यूँ समझे कि इंग्लिश का अभी आपको और एटलीस्ट 75 तक जो है वो आपका इंग्लिश का पार्ट है। टीच एलिफेस मार्क्स टेल मी द ट्रूथ पैराग्राफ राइटिंग मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कैम इनटू फोर, ये 76। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 जनवरी 1950 होगा, फुल फोर के साथ आया था 26 जनवरी को। हु अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 77, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एनेक्टेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एंड अगेन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाइना हो सकता है, आप एक बार एश्योर हो लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिपब्लिकन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कम्युनलिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड, सोशल हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पार्टी जो इंडिया में बैन कर दिया गया, ऑप्शन बी जो है उनको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर ले तो 1789 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। ये कह रहा रिपब्लिकनिज्म इज रूल बाय द पीपल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछ रहा है इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और देखिए इसमें जो मुझे सही थोड़ा आंसर मिला मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी चेक कर ले। मैं तो एक सेकुलरिज्म में रिफर टू सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। एंड नेक्स्ट राइट्स जो होते हैं वो लीगल एंटिटीज फॉर सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री विटनेस सिविल वॉर ओवर द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम, पर आप कन्फर्म हो लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 99 फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नॉट अ प्रेजेंट इन कर्नाटक, ये अगर आप इसको देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर ले तो इसका जम्मू एंड कश्मीर होगा, ये स्टेट नहीं, ये अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। और 92 हो गया, 93 देख लीजिए, 94 और अगेन 95। फाइनेंस कमीशन की बात कर ले तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, आर्टिकल 356। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए हो सकता है, बट आप कन्फर्म हो लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 हो गया, 97 यूनियन काउंसिल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 98 की बात कर ले तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। 99 की अगर हम बात कर ले तो आपका ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 99 का जो होगा वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की ओर। चीफ मॉड्यूल ऑफ अप्रेंटिस ऑफ कल्चरल इंपेरिज्म, इसका आप खुद देख लीजिएगा। तो फाइनली आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिन जिन क्वेश्चन का मैंने आंसर छोड़ दिया है, नहीं बताया, उसका जो आंसर्स है उस पर भी एक वीडियो आएगी।
बस फिलहाल ये है कि अभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स का जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर रिजल्ट से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।